हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 की बायोलॉजी का। चैप्टर हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना। लास्ट लेक्चर यानी कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझा था कि इनहेरिटेंस के कॉज क्या है, कौन करता है, और तमाम बातें इनहेरिटेंस के बारे में समझी थी। बट हम सबको बच्चों पता है कि ये पूरी दुनिया जो हमारे पास क्या है, गिने चुने कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी खोज हो गई है, ये पूरी दुनिया उन्हीं की बनी हुई है। यानी कि जो जीन्स हैं उसके पीछे अगर कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा एटम, कौन से मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, तो वही है हेडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि जीन्स बने किसके हुए हैं, ठीक है। तो समझेंगे इस चैप्टर में डिटेल में हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, स्टार्ट करें। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो ये कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न्ड द इनहेरिटेंस पैटर्न। जाहिर सी बात है हमने इनहेरिटेंस पैटर्न को समझा है लास्ट चैप्टर में, है ना। मेंडल ने किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, है ना, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, फिर कोडोमिनेंस आ गया था, तमाम बातें आई थी इनहेरिटेंस को लेकर के जो हमने समझी थी। एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न, इनहेरिटेंस का पैटर्न समझा था और ये जाना था कि उसके पीछे जो जेनेटिक बेसिस क्या है, जीन्स किस तरीके से उस पैटर्न को कंट्रोल करता है। एट द टाइम ऑफ मेंडल, मेंडल के समय द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, देखो जीन नहीं बोल रहे हैं। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर। फैक्टर्स का नेचर यानी कि जीन्स का नेचर क्लियर नहीं था हमको। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 100 साल तक द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है हमारे पास प्यूटेटिव? प्यूटेटिव मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो हमने सोचा हुआ है, सपोज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्यूटेटिव, वॉज इन्वेस्टिगेटेड। यानी कि जो सपोज किया हुआ जेनेटिक मटेरियल है अगले 100 साल तक उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन। कल्मिनेटिंग का मतलब हो गया और हम लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं कहां, क्लाइमैक्स पे, कि आखिरकार ये है क्या। क्लाइमैक्स पहुंचे, उसे रियलाइज किया कि क्या चीज है, डैट डीएनए। आखिर क्लाइमेक्स पहुंच गया, डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एटलीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम से कम ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के लिए तो डीएनए ही है जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। देखो यहीं पे कंट्रोवर्सी क्यों होगी, यहां पर उसने ऑल नहीं कहा, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें डीएनए नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते हैं, अगर क्लास 11 तो पढ़ रखी है, वायरस, उनके तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए पाया जाता है उनके अंदर, ठीक है ना। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म में या सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है? तो आंसर है नो, लेकिन ज्यादातर के अंदर डीएनए ही है। इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो ये वही बात आ गई, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है उसको अभी रिवाइज कर लेना अगर पढ़ चुके हो तो, ये स्टार्टिंग में समझना हमारे लिए थोड़ा सा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है, बात करेंगे अभी। न्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, वो क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो क्या है, पॉलीमर है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इसको भी फिर डिटेल करेंगे हम लोग, समझेंगे। तो देखें जरा क्या कह रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, फाउंड इन लिविंग सिस्टम। डीएनए और आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। डीएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए एक्ट करता है। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी यद्यपि करता है कुछ के अंदर, जैसे कि वायरस, मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर, बट ज्यादातर ये एज अ मैसेंजर वर्क करता है, यानी कि मैसेज कैरी करने में हेल्प करता है। आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल, आरएनए का कुछ और भी रोल होते हैं, समझेंगे इस चैप्टर में, धीरे धीरे बातें आएंगी। तो फिलहाल बात क्या होगी, अब यहां स्टार्टिंग में बच्चों ये बात एनसीईआरटी इस हिसाब से कर रही है, वो मान के चल रही है कि क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 तुमको अच्छे से आता है, पढ़ा हुआ दिमाग में तुम्हारे सेट है, उसके हिसाब से यहां बातें चल रही हैं। कुछ बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कुछ बच्चों को बिल्कुल शून्य हो गया होगा क्योंकि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 दिमाग में होगा ही नहीं, डिटेल करेंगे अभी उसको हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा और आगे आते हैं, आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल, इट फंक्शन एज एडेप्टर, अभी एडेप्टर क्या वाला है, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल, अब कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। एडेप्टर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस सीखेंगे,
इसी चैप्टर में आगे जाकर के, तो समझेंगे वहां पर अडेप्टर किस तरह काम करते हैं और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है ना। किसी जो बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं उनमें भी आरएनए पाया जाता है, जैसे कि राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए का ही बना होता है। इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न, अब वो देखो मान के चल रहा है कि तुम क्लास 11 से सब पढ़ चुके हो, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स, ठीक है ना। वो मान के चल रहा है कि तुम पढ़ चुके हो, यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तुम पढ़ चुके हो, एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड, और किस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमर को बना रहे हैं, ये बात तुमको पता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। ये बता दिया कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। जितने टॉपिक आते जाएंगे वो सब इसके चैप्टर के अंदर है ही हमारे पास, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए का बनना डीएनए से क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, और ये रेगुलेट कैसी होती है, कब बनना है कब नहीं बनना, कैसे रेगुलेट होंगी। द डिटर्मिनेशन, अभी देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये अभी हम वापस से करेंगे तब ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा कि आखिरकार ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे, ये पार्ट अभी हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लें आगे, फिर इस पार्ट को भी करते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, पिछले 10 सालों में हमने पूरा ह्यूमन जीनोम को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, जिसमें हमने पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया, यानी कि पूरा डीएनए कहां पे कौन सा जीन्स है सब चीज हमने ढूंढा पिछले 10 सालों में, डिकेड मतलब 10 ईयर्स, हैज सेट इन अ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स, और इस तरीके से हम लोग एक नए एरा में पहुंच जाते हैं जीनोमिक्स के, यानी कि जीन्स के। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड, कह रहा है लास्ट सेक्शन में, इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में हम लोग ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग, किस तरह हमने उसको सीक्वेंस किया, किसके बाद कौन सा क्रोमोसोम, किसके बाद क्रोमोसोम के अंदर कौन सा जीन किसके बाद, ठीक है, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस और उसके परिणाम, वो सब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज द डीएनए। सबसे पहले शुरुआत हमको कहां से करनी है, डीएनए से ही करनी है, डीएनए को समझना है। इन सबसिक्वेंट सेक्शन, सबसिक्वेंट मतलब उसके बाद जो सेक्शन आते जाएंगे, वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज द मोस्ट अवंडेंट जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप इज विद आरएनए। आगे हम समझ ये भी समझेंगे कि यही क्यों सबसे ज्यादा पाया जाता है, आरएनए से ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों माना गया है, ये भी पढ़ेंगे इसमें, और इसका आरएनए के साथ क्या रिश्तेदारी है ये भी पढ़ेंगे। तो आओ बच्चे थोड़ा सा थ्योरी ना पढ़ते हुए थोड़ा सा हम वापस बैक आते हैं और यहां पर हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। तो वापस ये देखो चलते हैं हम लोग बैक। तो हमको एक चीज पता है, जो हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इनको हम लोगों ने नाम दे रखा है क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बच्चे दो टाइप से होते हैं, कौन कौन से हैं, डीएनए हो सकते हैं और आरएनए हो सकता है, ये बात क्लियर है। अब ये बने किसके होते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ क्लास 11 में, बट यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर है। डीएनए आरएनए बना किसके होते हैं, तीन कंपोनेंट के बने होते हैं। एक हमारे पास सुगर होती है, क्या होती है, सुगर होती है इनके अंदर। दूसरा इसके अंदर होता है नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। तीसरा इसके अंदर मौजूद है फॉस्फेट ग्रुप, कहां से आता है ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये हमारे पास क्या मौजूद है, फॉस्फेट ग्रुप। सब सीखेंगे अभी, सब जानेंगे हम लोग। तो अब थोड़ा सा समझते हैं, सुगर, अगर सुगर मेरे पास कौन सी है, छोटा कर लें इसको, अगर सुगर मेरे पास कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस सुगर है, डीऑक्सीराइबोस। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, OH लगा हुआ है, ये छूट रहता है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2OH है। अगर ये सुगर है, यानी कि यहाँ पे OH नहीं होगा, तो ये कहलाती है डीऑक्सीराइबोस, तो मेरा क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। अगर तो सुगर का इस्तेमाल हुआ है राइबोस का, ठीक है,
क्या अंतर आता दोनों में? केवल ये अंतर है कि इसका ये वाले पार्ट में भी क्या रहता है, OH रहेगा, CH2OH, या तो राइबोज होगा या डीऑक्सीराइबोज होगा। राइबोज वाली शुगर पाई जाएगी तो आरएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोज वाली शुगर पाई जाएगी तो डीएनए बनता है। अब कैसे मिलेंगे सब सीखेंगे। नाइट्रोजन बेसिस, ये भी दो टाइप से होते हैं, ठीक है ना, प्यूरिंस एंड पायरिमाइडिंस। क्या अंतर है दोनों में? प्यूरिंस जो होती हैं इसके अंदर ये टू रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि दो रिंग बने होते हैं, ठीक है, इस टाइप से इसमें दिखा दूंगा, इस टाइप से एक रिंग और एक रिंग और जुड़ी होती है। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बताता हूँ मैं, फिलहाल याद रखो कि टू रिंग्स होते हैं ये, और ये कैसी होती है, सिंगल रिंग, यानी कि एक ही रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है और एक रिंग पाई जाएगी इसके अंदर, ठीक है। टू रिंग वाले के अंदर आ जाए तो यहां पाया जाता है हमारे पास एडेनाइन और गुआनिन या गुआनाइन। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। यूरासिल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा अभी कुछ बच्चों समझ में नहीं आएगा, आरएनए में पाया जाता है ये क्या होता है, अभी धीरे धीरे सब आएगा, फिलहाल पकड़ते चलो। डीएनए और आरएनए तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, सुगर का, नाइट्रोजन बेस का और फॉस्फेट ग्रुप का। फॉस्फेट ग्रुप को हम फिलहाल ऐसा कर लेते हैं, PO4 2-, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो तो बनता कैसे ये, इसको थोड़ा समझते हैं। डीएनए का ले लेते हैं, सबसे पहले क्या जुड़ेगा, सुगर। सबसे पहले क्या जुड़ेगी, सुगर किसके साथ कंबाइन करती है, नाइट्रोजन बेस के साथ, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मैं कहता हूं डी न्यूक्लियोसाइड। क्या कहता हूं उसको मैं, न्यूक्लियोसाइड कहूंगा। क्या कहता हूं, न्यूक्लियोसाइड। तो देख लेते हैं, जैसे सुगर है मान लो, इमेजिन कर लो, ठीक है, यहां OH है, यहां OH है और यहां पर CH2OH है। अब नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन तो होता ही होता है, ठीक है, NH2 अमीन ग्रुप होता है, वो अमीन ग्रुप इस H के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और नाइट्रोजन बेस खुद जुड़ जाता है। अब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा इसका मैं, तो यहां पर मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा आ जाता है, CH2OH, और यहां लग गया नाइट्रोजन बेस। स्ट्रक्चर के साथ पूरा पूरा दिखाऊंगा मैं अभी, फिलहाल समझो। जब सुगर में नाइट्रोजन बेस जुड़ गया तो उसको मैं क्या कहता हूं, न्यूक्लियोसाइड कहता हूं। क्लियर है, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, अब या तो मैं इसको आगे जोड़ लूं, पर आगे ना जोड़ते हुए मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूं आगे नीचे, यानी कि अब अगर बात करूं मैं न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दूं, मैं फॉस्फेट ग्रुप। अब ये बन जाएगा मेरे पास, देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है, सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, और अब जब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया ये, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनके क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आओ देखें जरा, ये नाइट्रोजन बेस है, ये OH है और ये CH2OH है, यहां पर प्लस फॉस्फेट, इसमें पूरा स्ट्रक्चर होता है H3 करके, फिर यहां से जो H और याला OH होता है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, PO4 2-, तो यहां पे उसको मैं शो नहीं कर रहा हूं, H जो पूरा फॉर्मूला रहता है वो H इसके H के साथ मिलके यहां निकल जाएगा और ये मेरे को स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाता है, नाइट्रोजन बेस OH और ये बना CH2 और साथ में PO4-। क्लियर बात है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये जो बन गया मेरा, अब इसके अंदर तीनों जुड़े हुए हैं, इसको मैं कहता हूं क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब यही न्यूक्लियोटाइड एक के साथ एक, ये है मोनोमर। मोनोमर मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं, मोनोमर याद है ना, मैं मोनोमर में पहले ही बता चुका हूं कि मोनोमर क्या होते हैं। मोनोमर मतलब, अब बार बार जब ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड फिर अगला न्यूक्लियोटाइड फिर अगला न्यूक्लियोटाइड साथ जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर। तो थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं मोनोमर पॉलीमर, क्योंकि ये रिपीट होने वाले वर्ड, जैसे कि समझ लो ये क्या है तुम्हारे पास, रिंग है, लोहे की रिंग है, ठीक है, इनको अब तुमने क्या कर दिया, आपस में एक के अंदर एक फंसा दिया,
तो ये क्या है? रिंग। बट अब ये क्या बन गई है? चेन बन गई है। तो ये तो कहलाएंगे क्या? मोनोमर। और अब आपस में फंस के एक नया स्ट्रक्चर बन गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर। ठीक है ना? तो देखो अभी बच्चों यहां पर एक बात लिखी हुई थी, ठीक है, कि कहां गया यहां पर सीक्वेंस आरएनए, ठीक है, पॉलीमर, ठीक है ना। डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, ये अभी लाइन पहली लाइन आएगी इसमें, डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, पहली लाइन आएगी ये। तो क्या मतलब है पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड? बच्चा समझ ही नहीं पाता इसको, ठीक है। अच्छा, जो बच्चों ने 11th पढ़ रखी है वो तो डायरेक्ट खड़ा कर समझते हुए चले जाते हैं। अब बच्चा जब यहां पर आता तो फंस गया ये। तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ये मैंने क्या कहा? न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड कैसा है? राइबो न्यूक्लियोटाइड है कि डीऑक्सी? जब डीऑक्सीराइबोस सुगर लगी हुई है, कौन सी सुगर लगी हुई है? मैंने यहां पर कौन सी सुगर लेके चला हूं मैं? डीऑक्सीराइबोस वाली। तो मेरा न्यूक्लियोटाइड भी कौन सा बनेगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना, डीएनए वाला। और अगर राइबोस लेके चलता तो राइबो न्यूक्लियोटाइड सुगर बनता, ठीक है ना। तो अब ये जो है, अब देखते हैं इसको हम लोग, ये जुड़ते कैसे हैं, इसका थोड़ा देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या हो गया? मोनोमर। अगर मैं इस रिंग को ये मान लूं थोड़ी देर के लिए कि ये मोनोमर है, तो ये जुड़ेंगे कैसे? तो देखो इसका स्ट्रक्चर यहां पे ले लेता हूं मैं, यहां पे छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, समझाता हूं कि जुड़ते कैसे हैं ये, तो थोड़ा सा एक आइडिया बना रहेगा दिमाग में, ठीक है। अब देखो है क्या, इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन बेस CH2PO4-, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास, कि ये है 1, 2, 3, 4 और 5, एक इसके नीचे दूसरा आएगा, नाइट्रोजन बेस OH CH3PO4-। अब होता क्या है यहां पर कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपस में क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, ठीक है, एस्टरीफिकेशन हो जाता है यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाता है? ये जुड़ जाएंगे। अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, तो यहां पर बन जाता है मेरे पास एक बॉन्ड CH2O P double bond O, ठीक है ना। ये इस तरह से मेरे पास क्या बना? इसका स्ट्रक्चर ये बन गया। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन बेस है, एक उल्टा आके लगेगा। कैसा लगेगा? उल्टा आके, यानी कि अगर मैं इसको यहां पर एक काम कर लूं अभी, ओके, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर यहां पर और मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं ऐसे करके, कहां गया ये रहा, ठीक है, बात समझ आ रही बच्चों? बस ऐसा ही एक स्ट्रक्चर उल्टा होकर के यहां पे लगेगा। क्लियर है बातें? ठीक है। और ये देखो, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर यहां उल्टा होकर लग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल सेम रहता है। अब यहां पर मैं वो लगा देता हूं, मान लो यहां पर क्या है, ये अगर एडेनाइन होगा तो ए के साथ हमेशा क्या लगता है? टी लगता है, नाइट्रोजन बेस टी। और अगर ये ग्वानिन होगा तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है? साइटोसिन लगता है। इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहती है? डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरीके से मेरी ये चेन पूरी बढ़ती हुई चली जाती है। तो देख लो किस तरीके से, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरी तरफ एक और न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन। तो क्या हो गया? चेन ऑफ, यानी कि पॉलीमर, है ना, पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ये तुम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर आएगा बायोमोलिकुल्स वाला, उसमें ही पढ़ोगे ये चीज, ठीक है ना। उसमें देखोगे पॉलीमराइजेशन वर्ड, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो आपस में चिपक जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, अब जब हम पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए। मैं इसका एक और स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तुम लोगों को अभी, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास? राइबोस सुगर। तो अब हम इसको यहां पे एक और चीज से डिस्टिंग्विश करें, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पार्ट होता है ना इतना, ये देखो, अब मैं इसको डिस्टिंग्विश करता हूं, इतना पार्ट कहलाता है बैकबोन ऑफ डीएनए। ये क्या कहलाता है?
बैकबोन ऑफ डीएनए। अब बताओ जरा बैकबोन ऑफ डीएनए में क्या क्या चीजें मौजूद है, साफ साफ दिख रहा है, डीऑक्सीराइबो सुगर और फॉस्फेट, दो पार्ट मौजूद है, सुगर और फॉस्फेट। बैकबोन में क्या क्या मौजूद है, फॉस्फेट एंड सुगर, फॉस्फेट प्लस सुगर। और जो बीच का पार्ट है, जो स्टेयर के सीढ़ी नुमा दिखाई पड़ रहा है हमको, यहां पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बेसिस। कितने हिस्से में क्या मौजूद है, नाइट्रोजन बेसिस। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। देखिए इसका एक और साइड डायग्राम होना चाहिए अच्छा वाला, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा दो हाथ का बना हुआ था, यहां पर और अच्छे समझ में आएगा। मैं कलर लेता हूं, यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जरा इसको मैं इतना करता हूं, ये ठीक है, ये क्या, सुगर 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 सुगर, फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस बैकबोन। क्लियर है, बिल्कुल वही चीज। बीच में क्या लगे हुए हैं, देखो एडेनाइन, एडेनाइन डबल रिंग है, एक दो, ठीक है ना, और जो थायमिन है यानी कि पायरिमिडिन थी, वो क्या, सिंगल रिंग, सिंगल रिंग, ठीक है ना। तो अब तुमको ये बात समझ में आ रही होगी, अच्छा यहाँ पे जो OH था वो NKH के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनके निकल गया और ये ऐसा करके चिपक गया। ये स्ट्रक्चर बच्चों नीट में नहीं आएगा ना तुम्हारे बोर्ड में आएगा, ये जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर ये कायदे से अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो चैप्टर जो आगे आने वाला है 11 और 12 बायोटेक्नोलॉजी, वो तुम लोग बहुत कायदे से और अच्छे से समझ के कर पाओगे उसको, मतलब वो समझना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो हम लोग कुछ इसको ऐसे दिखाते हैं, अब ये 3-5 क्या है इसको भी समझ लो। मैं यहां पर तुम लोग बता रहा था, इसकी नंबरिंग करी थी मैंने ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसकी नंबरिंग होती है। तो अगर हम गौर से देखो तो यहां पर ये इसको 1', 2', 3' भी बोल देते हैं हम लोग, तो इधर ये एक तरफ तो 5' खाली है और इसके दूसरी तरफ 1, 2 और 3 वाला खाली है। इसके जस्ट जो अपोजिट चेन लगी हुई है, जस्ट जो अपोजिट चेन लगी हुई है 3' के सामने कौन खाली है, ये 5', है ना, और 5' के सामने कौन खाली है, ये 3', खाली मतलब फ्री एंड है, उसका पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ है। तो 5' के सामने 3' होता है और 3' के सामने 5' होता है, बस यही चीज यहां दिखा रखी है। 5' एंड के सामने क्या रहेगा, 3' एंड ऑलवेज, ठीक है, और 3' के सामने क्या रहेगा, एंटी पैरेलल कह सकते हैं इसको हम लोग। देखो G के साथ C, A के साथ T, A के साथ T, C के साथ G, A के साथ T, ये तो पता ही है तुमको, ये क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है। ये मैंने स्ट्रेट करके दिखा रखा है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है डीएनए हमेशा कॉइल फॉर्म में रहता है, वो भी देखेंगे अभी कैसा रहता है, कॉइल फॉर्म में रहता है। क्लियर है, तो ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन, सुगर की बनी हुई है और फॉस्फेट की बनी हुई बैकबोन है, ठीक है। अभी ये उसमें भी आएगा करके, हम लोग अभी पढ़ेंगे वेस्टर्न क्रिक मॉडल, तो ये मॉडल एक बार फिर से डिस्कस होगा। तो फिलहाल हमें केवल ये समझ लेना है कि डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देख सकते हैं यहां पर 1, 2 और 3, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ए और टी के बीच में मात्र 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बेसिक बेसिक बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, 3', 5', फ्री एंड, ये सब बातें अभी एनसीईआरटी में लिखी हुई आने वाली हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने को, अच्छे से देख लो वीडियो पॉज करके अच्छे से। मैं तो आगे अभी इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जहां दिक्कत लगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, और चेक करते रहना। क्लियर है, तो रीड करें अब, आओ। तो डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, अब पॉलीमर से कंफ्यूजन खत्म, पॉलीमर मतलब वो बार बार आपस में जुड़ते चले जाते हैं, तो पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बातें, ओके। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अच्छा क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं उसकी लेंथ, और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर एज बेस पेयर। ये देखो ये जो एक पेयर है, ये सी और जी, ये सी और जी क्या कहलाता है, बेस पेयर कहलाते हैं। बेस कौन से, नाइट्रोजन बेस है और पेयर में लगे हुए हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पेयर। ये एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पेयर कहते हैं। क्लियर है बातें, तो बेस पेयर से क्या समझोगे, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अब ऑब्वियस ही बात है, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में एक बेस पेयर होगा, इसके अपोजिट अगर दूसरा लगा है तो दूसरा बेस पेयर होगा, तो दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक बेस पेयर बना रहे हैं। क्लियर है बातें, चले आगे। तो और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड एज द बेस पेयर प्रेजेंट इन इट, तो बेस पेयर क्या होता है। अब यहां पर बच्चों फिलहाल सिर्फ क्या चल रहा है, डीएनए के अंदर इस्तेमाल होने वाले बेसिक टर्म्स की क्लैरिटी चल रही है और कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, अब टर्म समझते चलो।
पॉलीमर ऑफ डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कह लो, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कह लो, ठीक है। इसकी लेंथ को हम लोग, ये क्वेश्चन है, लेंथ को डिफाइन करेंगे एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मार्क कर लेना इस चीज को, हाउ वी मेजर और हाउ वी डिफाइन द लेंथ ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड लगे हुए और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर एज वन बेस पेयर, ठीक है ना। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब साफ है कि जो बेस पेयर होते हैं हर किसी ऑर्गेनिज्म के अपने अपने क्या होते हैं, फिक्स होंगे वो। ओके, तो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, मार्क करेंगे इसको, ठीक है। जो ये है बेस पेयर है, ये हर किसी ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो, अब बैक्टीरियो फेज फेज बोलो फास्ट बोलो, कुछ लोग फास्ट पढ़ते हैं, नोन एज 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, मैंने कहा ना कितने नंबर होंगे वो हर किसी के अपना यूनिक है, किसी में सेम नहीं होंगे। इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड है, बात समझना, यानी कि टोटल काउंटिंग कर ली दोनों तरफ। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48502 बेस पेयर। अब देखो यहां बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन कई बार दे सकता है, यहां पे इसने टोटल न्यूक्लियोटाइड की बात कर दी है, बेस पेयर की बात करेंगे तो आधा हो जाएगा, कि दो मिलके एक बेस पेयर बनाता है, दो मिलके एक बेस पेयर बनाता है। और यहां पर अगर पूछ लेगा टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना है, तो इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि एक बेस पेयर में दो होते हैं, है ना, एक बेस पेयर में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये है ना न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड दो, अगर एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है तो कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखेंगे। और डाटा भी एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम पर कुछ भरोसा नहीं है एनसीईआरटी में क्या उठा के पूछ देगा वो, ठीक है। आगे आए इकोलाई की बात करें, सब लोग जानते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पेयर एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हैप्लॉइड मतलब 23 है ना, 23 क्रोमोसोम की बात करें तो उसके अंदर इतने हैं, यानी कि पूरे 46 की बात करेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, क्लियर है। तो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर। अब ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी अभी जस्ट क्या किया है, डिस्कस किया है, ये और ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको दिमाग में रखते हुए सारे टर्म्स मैं फटाफट इसको रीड करूंगा और चीजों को समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा, क्लियर है, जिससे कि अभी हमारे लिए रीडिंग आसान हो जाएगी। बात समझ में आई, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। लेट अस रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट मतलब आओ फटाफट रिवाइज करें, है ना, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, रिवाइज करें। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला गया, पॉली और न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है ना, कई सारे न्यूक्लियोटाइड 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 जुड़ रहे हैं, तो क्या बोल दिया गया, पॉली न्यूक्लियोटाइड बोला गया है, ठीक है। चेन डीएनए और आरएनए, अब क्या कह रहा है, न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट, अ नाइट्रोजन बेस, अ पेंटोज सुगर राइबोस इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सीराइबोस इन केस ऑफ डीएनए एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो जरा, यहां मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, इसके पास ये तीन चीजें मौजूद हैं, ठीक है, दिस दिस एंड दिस, ठीक है, सुगर नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर है बातें, तुम लोग चाहो तो टेबल बना सकते हो। आगे आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, प्यूरिंस एडेनिन ग्वानिन होती है, और पायरिमिडिन के अंदर साइटोसिन एंड यूरासिल एंड थायमिन होती है, ठीक। देखो नाइट्रोजन बेस दो टाइप्स हैं, प्यूरिंस एंड पायरिमिडिन, दो हैं एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन थायमिन, क्लियर। आगे आते हैं, साइटोसिन इज कॉमन टू बोथ, साइटोसिन दोनों पाया जाता है डीएनए में और आरएनए में, एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली, ये चीज मार्क करेंगे कौन सी चीज किसमें पाई जाती है। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया यहां पर कि नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन पायरिमिडिन, ठीक है, और साइटोसिन कॉमन है, देख सकते हैं हम लोग जो साइटोसिन है ये दोनों मिलेगा, थायमिन केवल मिलता है डीएनए में, ठीक है, थायमिन केवल किसे मिलता है, डीएनए मिलेगा, और यूरेसिल केवल किसे मिलेगा, आरएनए मिलेगा, ठीक है। आओ देखें जरा इसको, अब क्या कह रहा है ये, ओके, ये कैसे थायमिन और यूरेसिल केवल इसमें मिलता है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है ना, तब उसमें हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहां थे, तो हमें समझ में आ गया, यूरेसिल केवल कहां मौजूद होता है, आरएनए मौजूद होता है, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ थायमिन, थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है किसमें, आरएनए में। अब क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है ये,
A nitrogenous base is linked to OH of 1-C. क्या लिखा हुआ है 1-C? क्या कह रहा है? नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू OH ऑफ 1-C पेंटोस सुगर. मैंने बताया था जो नाइट्रोजन बेस आता है वो कहां लगा, देखो इस OH की जगह पे ये 1-C है, ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये 1-C, ये 2-C, 3-C या 3' बोलते हैं, कुछ लोग डैश बोलते हैं, 4 और 5. इस 1-C की जगह पर कौन आकर लग गया? नाइट्रोजन बेस. क्लियर है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सामने रखना, फिर कह रहा हूं मैं, चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है. आगे आते हैं, क्या कह रहा है अभी, ठीक है. तो नाइट्रोजन बेस कहां लगा? लिंक टू OH ऑफ 1-C पेंटोस सुगर. सुगर मेरे पास कैसी है? पेंटोस है, मैंने बताया था. ये जो सुगर है मेरे पास, जिनको मैंने सिंपल सुगर लिखा हुआ है यहां पर, ये सुगर एक्चुअली कैसी है? पेंटोस है. पेंटोस मतलब 5 कार्बन है, चाहे ये हो 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन इसमें भी है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन इसमें भी है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटोस सुगर. क्या बोल सकते हैं? पेंटोस सुगर. क्लियर? चले आगे, आगे हैं, क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है तो पेंटोस सुगर का मतलब समझ में आ गया, चीज है, टर्म्स क्लियर करते चलना. यहां पे मेन फंडा इसका क्या है इस चैप्टर में, टर्म्स सारे क्लियर, थ्रू द एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. अब ये मत कहना ये क्या होता है, क्लास 11 में पढ़ा था हमने कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, कौन होते हैं? नाइट्रोजन बेस. ये आकर के जब चिपकेंगे इसमें, नाइट्रोजन बेस आकर चिपकते हैं, ये जो लिंकेज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं. कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना. जैसे कि पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है किसमें? प्रोटीन में. इसमें एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. बोन अभी जो हम देखेंगे, फॉस्फेट जो लिंकअप करेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या लाएगा, तो सारे लिंकेज पता होना चाहिए. ये कौन सा हो गया? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया. क्लियर है? ओके. ये एक तरह से क्या करवा रहा है? रिकैपिटुलेट, यानी कि हम लोग ये सब कहां पढ़ चुके हैं? क्लास 11th में. आगे आते हैं. लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड. क्या बनता है पहला चीज? न्यूक्लियोसाइड बनता है. क्या बना? ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक. सच एज, अच्छा अब जो न्यूक्लियोसाइड बनता है यहां पर, ये थोड़ा सा अब फिर से यहां से रिवाइज करेंगे हम लोग. अगर नाइट्रोजन बेस क्या होगा? एडेनिन होगा, तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम एडनोसाइन होगा और डीऑक्सी एडनोसाइन होगा. अगर उसमें ग्वानिन जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस कौन जुड़ेगा? ग्वानिन, तो उस न्यूक्लियोसाइड को ग्वानोसिन कहूंगा या डीऑक्सी ग्वानोसिन कहूंगा. बच्चा यहां गलती कर देता है. क्वेश्चन आता है, बताओ डीऑक्सी ग्वानोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, सुगर है, क्या है? तो ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है. न्यूक्लियोसाइड एक कॉमन टर्म है. अगर नाइट्रोजन बेस यहां पर कौन सा होगा? ए होगा तो एडेनोसाइन, जी होगा तो ग्वानोसाइन, ठीक है ना. जो जो वाला नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा उसी हिसाब से उस न्यूक्लियोसाइड का क्या पड़ जाएगा? नाम पड़ जाएगा. ये बात ध्यान रखना, ठीक है. आगे आते हैं. साइटोसिन होगा तो साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन, एंड यूरेसिल होगा तो यूरिडीन और डीऑक्सीथायमिडीन. क्लियर है? अब यहां पे ध्यान रखना इसका. व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक, ये कहानी अलग होगी. ये कहानी थी यहां से लेकर यहां तक किसकी? न्यूक्लियोसाइड की. अलग अलग न्यूक्लियोसाइड के क्या क्या नाम होंगे, ठीक है. अब क्या कह रहा है? व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ 5- कार्बन या 5' कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज. अब ये लिंकेज कौन सा हुआ, ठीक है ना. ये जो 5' से जुड़ा आकर के फॉस्फेट, ये वाला लिंकेज कौन सा हो गया? फॉस्फोईस्टर लिंकेज. यहां अगर हम बात करें तो ये जो लिंकेज हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉस्फोईस्टर लिंकेज. ये कौन सा है? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज. ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज. अब ये फॉस्फेट जब एडेनिन में जुड़ेगा तो कॉमन नाम तो इसका न्यूक्लियोटाइड है. उस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे? देखो उसकी नेमिंग दे रखी है यहां पर, ठीक है. अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सुगर प्रेजेंट इज फॉर्म, ठीक है. वो करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड हमारा बन जाएगा जिसकी नेमिंग हमारे पास कहां दे रखी है? क्लास 11th की एनसीईआरटी में दे रखी है. अब क्या कह रहा है? टू न्यूक्लियोटाइड,
टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब समझ आ जा रहा है बात को यहां पर। दो ये देखो, ये क्या है 3- और ये क्या था मेरे पास 5-। तो दो न्यूक्लियोटाइड किस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं? एक थर्ड वाले से और एक फिफ्थ वाले से। तो दो न्यूक्लियोटाइड 3-5 कार्बन से जुड़े हुए हैं। यही बात कह रहा है यहां पर कि टू न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू 3-5 फॉस्फोडाइस्टर। अच्छा डाइस्टर क्यों हो गया? देखो एक तो ईस्टर लिंकेज था ही है, एक ईस्टर लिंकेज था ही, एक और जुड़ा, तो ये दो लिंकेज मिलके क्या बन गए? डाईस्टर। एक ये है ना, नीचे डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, ये हम लोग इसको ऐसे समझ लें भाई। एक तो जुड़ा हुआ लिंकेज कौन सा है? ये वाला ईस्टर लिंकेज है, तो एक लिंकेज तो ईस्टर लिंकेज है ही है, एक और आगे जुड़ गया तो दो ईस्टर लिंकेज हो गए, तो फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज कहा जाता है इसको। ये क्या कहा जाता है? फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा यहां पर, तो ये जो जहां पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसके जो ये दो लिंकेज काउंट किए जाएंगे, देखो हमको बहुत अच्छे से पता है इस वाले कार्बन से तो ईस्टर लिंकेज है ही, फिर इधर भी जाके ये ईस्टर लिंकेज बनाता है, टोटल लिंकेज कितने हो गए? दो। तो पड़ गया डाई ईस्टर लिंकेज। क्लियर है बातें? तो मैंने क्या कहा, यहां पर पूरा पूरा स्ट्रक्चर को समझाया हुआ है, स्ट्रक्चर दिमाग में सेट होगा तो इसकी एक एक लाइन समझ में आ जाएगी, अदरवाइज अंधाधुंध पढ़ोगे इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर अगर आता है तो इतना पैरा चाहो तो छोड़ भी सकते हो, अगर स्ट्रक्चर अच्छे दिमाग में सेट है। पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है। टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया, दो जुड़ेंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड, तीन जुड़ेंगे ट्राई, फिर पॉली, बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। More nucleotide can be joined in such a manner to form a polynucleotide. और आपस में जुड़ते चले जाएंगे और क्या बनाएगा? Polynucleotide. A polymer thus formed has at one end, इस प्रकार जो polymer बनेगा उसका एक end में एक free क्या होने वाला है? A free phosphate moiety. Moiety मतलब एक species, कौन सी होगी? At 5' end of sugar which is referred as 5' end. यानी कि एक फ्री एंड होगा इसका, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? 5' एंड कहेंगे ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली एट द अदर एंड द पॉलीमर द सुगर हैज अ फ्री OH 3' ग्रुप व्हिच इज रेफर्ड एज 3' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहां और कुछ नहीं है, हम लोग ने यहां डिस्कस किया था, इसका एक तरफ 5' एंड खाली होगा, इसके जस्ट दूसरी तरफ 3' एंड खाली होता है। 3' एंड में क्या है? OH है, और 5' एंड की तरफ क्या है? फॉस्फेट है। तो पता होना चाहिए कि 5' एंड जहां फ्री होता है वहां कौन सी चीज हमको खाली मिलती है? फॉस्फेट ग्रुप। और 3' एंड की तरफ क्या चीज हमें मिलेगा? OH ग्रुप। बात समझ में आ रही है? ये 3-5' कुछ और नहीं है, कार्बन की नेमिंग कर रखी है। क्लियर है बातें? चले आगे। ओके, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द सुगर एंड फॉस्फेट। देखो वही बात आ गई जो मैंने बताई थी, जो बैकबोन है इसकी किससे बनी हुई है? ये बैकबोन एक सुगर और एक फॉस्फेट, दो चीजों से मिलकर बैकबोन बनी हुई है, वही सारी बात है। द नाइट्रोजनस बेसिस लिंक टू सुगर मॉइटी, जो सुगर मॉइटी यानी सुगर से जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, ये बैकबोन से निकले हुए रहते हैं और सीढ़ी नुमा प्रकार से एक एक स्टेप आगे बनाते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? बस यही तो है डीएनए, हमने जो स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा समझा कि इसके अंदर केमिकली कौन कौन चीजें मौजूद है, एक तरह से यहां पर कहानी क्या हो जाती है हमारे पास, डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे लिए एनसीईआरटी में इतना ही है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप जुड़े होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे जुड़े होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, पूरी कहानियां बता दी इसने, हमने भी स्ट्रक्चर वाइज इसको समझ लिया। अगर इतना अच्छे से समझ में आएगा तो आगे चीजें हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर है? अगर तुमको लगता है अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दें, इसको एक बार और समझें, देखें और फिर आगे बढ़ें। क्लियर? और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लोग आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कह रहे हैं? इन आरएनए Every nucleotide residue has an additional OH group. देखा मैंने क्या कहा था, हर एक nucleotide में एक additional OH होता है, मैंने यहां पे तुमको पहले बताया था। देखो ये क्या है, deoxyribose है ना, तो इतना तो है ही है, एक OH और एक्स्ट्रा होता है इसके पास, ठीक है ना, 2' पर, यही हो गया RNA, यही बात बोल रहा है ये, ठीक है। एवरी RNA के पास एक OH एक्स्ट्रा होता है, प्रेजेंट एट 2' पोजिशन, कुछ गलत तो नहीं गा, वही स्ट्रक्चर आ गया सेम भाई, 2' पर एक एक्स्ट्रा मौजूद रहता है OH। क्लियर है बातें? चलो आगे आते हैं। आप क्या कह रहे हैं?
ओके ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन ठीक है ना 5-methyl यूरेसिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन ये देखो अलग से दे दिया इन्होंने ठीक है ना थायमिन का दूसरा नाम क्या है 5-methyl यूरेसिल क्लियर है तो हमको क्या है यहां पर यूरेसिल मौजूद होता है थायमिन की जगह पे यानी कि सीधी सी बात यह है जब हम लोग क्या करेंगे ये एडेनिन है ना इसकी जगह पे क्या लगा हुआ है थायमिन तो थायमिन ना लग करके आरएनए में क्या लगेगा यूरेसिल आ जाता है टी की जगह क्या आ जाएगा यूरेसिल बस इतनी सी बात समझनी है जहां जहां ए के अपोजिट में टी को आना चाहिए वहां वहां क्या आता रहेगा यू आता रहेगा दैट्स इट इससे ज्यादा कुछ नहीं क्लियर है आगे आते हैं डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस मार्क करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए एसिडिक का कि बेसिक है डीएनए एसिडिक है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय है ना फ्रेडरिक मेशर इन 1869 पहली बार इसको कब देखा गया 1869 में किसके द्वारा फ्रेडरिक मेशर के द्वारा प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय ठीक है 1869 में फ्रेडरिक मेशर के द्वारा ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन मार्क कर लेंगे सबसे पहले इसका नाम क्या था डीएनए का सबसे पहला नाम न्यूक्लियन था किसने देखा था फ्रेडरिक मिशर ने देखा था 1869 में अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बाद बाकी किसी रेफरेंस बुक को फॉलो नहीं करना ठीक है जो हमारा नीट का एग्जाम है वो सिर्फ उसको एनसीईआरटी को मानता है दैट्स इट क्लियर है हाउएवर हालांकि ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट क्योंकि हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशन थी उस समय इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम आइसोलेट अलग नहीं कर सकते थे इतने लंबे पॉलीमर को इंटैक्ट पूरा लंबा लंबा जुड़ा जुड़ा बाहर आ जाए हम नहीं कर सकते थे ऐसा निकालते थे टूट फूट जाता था ये द इलिसिडिएशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इलिसिडिएशन मतलब उसकी व्याख्या उसको एक्सप्लेनेशन उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड इल्यूसिव मतलब छुपा रहा भाई क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर निकल नहीं पा रहा था तो इलिसिडिएशन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं पाया बहुत लंबे समय तक वो छुपा रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज ओनली इन 1953 ये कब संभव हो पाया 1953 में बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा तो मार्क करेंगे पहला जो इन्होंने वो दिया था क्या डीएनए को एक्सप्लेन किया था वेस्टर्न क्रिक ने किस उसके ऊपर आधार पे थे कौन सी टेक्निक थी एक्सरे डिफ्रैक्शन मार्क कर लेना किसके आधार पे दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पर डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस वाइकिंस विल्किंस एंड रोजेलिन फ्रैंकलिन ठीक है तो पहली बार 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ठीक है अच्छा एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा वो भी इन्होंने खुद नहीं बनाया था वो किसने बनाया था एक्सरे डाटा तैयार किया था मॉरिस ने और रोजेलिन ने और उस डाटा को ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए एक्सप्लेन फिर किसने कर दिया जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने तो कहानी समझ रखना एक्सरे से डाटा किसने निकाला उसको एक्सप्लेन किसने दिया अब ऑब्वियसली बात है जो एक्सप्लेन करेगा मॉडल देगा नाम उसी का होता है ठीक है तो फाइनली क्या हुआ उन्होंने एक प्रपोज किया सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल देखते हैं अभी क्या ये फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अभी डबल हेलिक्स मॉडल क्या है इसको समझते हैं देखो ये है डबल हेलिक्स मॉडल हमारे पास उन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो हेलिक्स हेलिक्स क्या होता है कॉइलिंग की तरह स्प्रिंग होती है ना इस टाइप से कॉइल 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 करके रहता है अब देखो कुछ नहीं है ये वाला जो पार्ट है ये क्या है इसको तुम किससे कंपेयर कर सकते हो आओ देखो बताता हूं मैं इसको एक काम करते हैं हम लोग हाँ इसको यहां कर लें और पीछे आते हैं और हम लोग इसको अब आ गया ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ठीक है आगे आते हैं हम लोग साथ साथ में कंपेयर हो जाएगा ये और कुछ और ही कंपेयर हो गया यहाँ पे लग रहा है चलो कोई बात नहीं हम इसको आगे पीछे कर लेंगे ओके तो देखो जरा यहाँ पर तो यहाँ पे ठीक है इस स्ट्रक्चर को वापस एक बार हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है ये क्या है हमारे पास
जो डीएनए था हमारा इसको कॉइल, मतलब कि कॉइलिंग हो रही है, समझ सकते हो ना। तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, बीच में क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए हैं। और जरा ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो ना, गहराई कितनी ज्यादा है यहाँ पर। इसको ग्रूव, ग्रूव मतलब होता है गुफा टुमा, ये मेजर ग्रूव, बहुत गहराई है अंदर। और एक गहराई जरा ये देखो, ये वाली, ये बहुत छोटी है, ये देख लो यहां से लेके यहां तक कितना लंबा है ये, और ये मात्र कितना है, ये छोटा सा ग्रूव है। तो इसीलिए इसको पढ़ा, ये जो टर्न पढ़ा यहां पर, ये है माइनर ग्रूव और ये क्या है, मेजर ग्रूव। यानी कि यहां से अगर मैं देखूंगा इस टर्न को, ये टर्न मेरे पास क्या है, काफी छोटा है, और ये टर्न मेरे पास क्या है, काफी बड़ा है। इसके हिसाब से ग्रूविंग की नेमिंग हुई मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, ठीक है। अब एक और चीज उन्होंने बोली कि जो इसमें लिखी हुई है पीछे मेरे पास इस वाले स्ट्रक्चर में, कि जो टोटल इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी बताई उन्होंने, लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि एक पूरा स्पाइरल, जैसे एक वेव होती ना, तो ये वेव होगी एक ऐसी, एक पूरी वेव लेके चलू मैं अगर, तो उसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितने बेस पेयर मिलेंगे, 10 बेस पेयर मिलेंगे। एक पूरे उसमें कॉइल में, एक टर्निंग में कितने बेस पेयर मिलेंगे, 10 बेस पेयर मिलेंगे। और एक वन स्पाइरल का लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो पूरे की 34 एंगस्ट्रॉम, तो बताओ दो बेस पेयर के बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी, 34 डिवाइड बाय 10 कर दोगे कितना आ गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, नैनोमीटर में होगा तो कन्वर्ट कर लेना, 0.34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साफ साफ दिख गया हमको यहां पर, तो क्या कर, माइनर और शैलो ग्रूव, शैलो मतलब जो थोड़ा सा उतना गहरा नहीं है, और मेजर और डीप जो बहुत ज्यादा गहरा है, तो इसने डीप लगा दिया यहां पर। ये लगभग होता है 12 एंगस्ट्रॉम की गहराई है, इसकी 22 एंगस्ट्रॉम की गहराई है, ठीक है। तो ग्रूव का मतलब क्लियर हो गया, एक स्पाइरल में 10 बेस पेयर होते हैं एक के बाद एक, और इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि दो बेस पेयर के बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। बस यही बताना चाह रहा था मैं यहां पर, कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तो यहां समझ जाओ, अभी बात समझ में आ गई, क्लियर है। देखो यहां पर दे रखा है यहां से लेके यहां तक दो के बीच की, अभी नैनोमीटर में दे रखा है इन्होंने, किसमें दे रखा है, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में क्या होता है, 10^-9 एंगस्ट्रॉम में 10^-10, चिंता की कोई बात नहीं यहां पर, ठीक है ना, क्लियर है सारी बातें। तो दो तीन बातें जो याद रखनी है, इसकी लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम, बैकबोन सुगर फॉस्फेट की बनी हुई है, एक स्पाइरल में कितना है, 3.4 नैनोमीटर है, 34 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी वजह से उसमें 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, तो दो बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक मेजर ग्रुप होता है और एक माइनर ग्रुप होता है। ये कुछ बेसिक से डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने डीएनए को लेकर के, डीएनए को बहुत सारी बातें बोली गई थी, लेकिन हम लोग अपने एनसीईआरटी में अभी सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, अब इसकी हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, आओ देखते हैं क्या रहा है, ठीक है। प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वन ऑफ द हॉलमार्क, हॉलमार्क मतलब एकदम जबरदस्त जो बात थी, ऑफ देयर प्रपोजिशन वॉज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये हॉलमार्क कह लो कि उन्होंने जो बात कहते ना, एकदम दमदार तरीके से कहना और बिल्कुल मतलब एकदम बस जो बोल दिया है, ठीक है। क्या प्रपोज किया ना उन्होंने, बेस पेयरिंग, उन्होंने कहा था कि बेसिस के बीच में पेयरिंग होती है, ठीक है ना, दो स्ट्रैंड जो होते हैं उनके बेसिस के बीच में पेयरिंग हो रखी होती है, ठीक। ये बात उन्होंने एक बहुत बताई थी जो कि एकदम क्या थी, जबरदस्त थी। हाउएवर, हालांकि दिस प्रपोजिशन वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगफ दैट फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कॉन्स्टेंट एंड इक्वल। ये इन्होंने बोला, बोल कैसे पाया कि पेयरिंग होती है, ये इन्होंने एरविन चारगफ, ठीक है ना, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, उन्होंने क्या कहा कि फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, दो स्टैंड वाले होते हैं, द रेशियो बिटवीन द एडेनिन एंड थायमिन, यानी कि ए रेशियो टी, ठीक है ना, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन जी रेशियो सी आर कॉन्स्टेंट एंड इक्वल वन। ये रेशियो जो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं और कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये रेशियो कैसे हैं, फिक्स हैं और आपस में हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो बात इन्होंने बोल दी इस तरीके से, अब देखो यहाँ पे एक बात कैसे होगी, इनका जो रेशो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास 10 ए होंगे तो बदले में 10 ही तो टी होंगे, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। तो ये रेशो क्या हो गया, कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज तो होना नहीं है,
क्योंकि ए के साथ टी लगता है हमेशा, तो रेशो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये कैसे रहते हैं, इक्वल होंगे, यानी कि 10 ए है तो टी भी कितने हो गए, 10 हो गए। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गई। ओके आगे आए, अब देखो यहां पर क्या है, कुछ बातें देख लें। द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, बेस पेयरिंग ने एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी बताई टू द पॉलीन्यूक्लियर चेन, दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मार्क करेंगे इसको, बेस पेयरिंग की हेल्प से हमें एक चीज समझ में आई कि वो कैसे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ए के साथ हमेशा टी लगेगा, सी के साथ हमेशा जी लगेगा, यानी कहीं पे सी होगा तो आंख बंद करके जी लगा दो, कहीं पे टी है तो उसके ओरिजिन पक्के से ए होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को पूरक है। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, तो जाहिर सी बात है अगर एक स्ट्रैंड है उसमें मेरे को सीक्वेंस पता है ए टी सी जी जी सी टी ए, तो अब मैं आंख बंद करके कह सकता हूं दूसरी स्ट्रैंड में क्या होने वाला है, टी ए जी सी सी जी ए और टी, आंख बंद करके, है ना, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, एक स्ट्रैंड का पता है मेरे को, दूसरी स्ट्रैंड का अपने आप पता लगा लूंगा मैं। ओके अब क्या कह रहा है, ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए, अब कह रहा है कि ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए, मान लेते हैं उसको हम पेरेंटल डीएनए कह देते हैं, एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब यहां पर जो बात कह दी इसने थोड़ी सी आगे एडवांस बात कर दी, अभी हम आगे जानेंगे कि जो डीएनए की दो स्ट्रैंड होती हैं, ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगी, खुल जाती हैं, एक ऐसी खुल जाएगी एक ऐसी खुल जाएगी, अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, टी ए जी सी सी जी ए और टी, इसका ओरिजिन क्या आ गया, टी ए टी सी जी जी सी टी और ए, ये जब खुल जाएंगी ठीक है, और इनके ऊपर क्या बनेगी, एक नई स्ट्रैंड बनेगी, इनके ऊपर क्या बनेगी, एक नई स्ट्रैंड बनती है, तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, ए टी सी जी जी सी टी ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, टी ए सी सी जी टी और ए, रेप्लिकेट हो गया, 102 बन गई है, तो ये पुरानी पेरेंटल ठीक है, और ये रेड वाली क्या होगी, न्यू होगी, तो उसके बारे में यहाँ कुछ बात कहना चाह रहा है। अच्छा, जिसके ऊपर नई स्ट्रैंड बनती है ना, ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके ऊपर नई स्ट्रैंड बनेगी। क्लियर है, देखो तो यहां सिर्फ टर्मिनोलॉजी क्लियर की जा रही है, तो कह रहा है द टू डबल स्ट्रैंड डीएनए लेट अस कॉल देम एज डॉटर डीएनए, ठीक है, अच्छा शुरू से पढ़ लेते हैं, कह रहा है ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंटल डीएनए। अब ऑब्वियसली बात है जो दोनों बनेंगी पेरेंटल जैसी तो होंगी, पेरेंटल में देखो क्या था, ये था ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देख लो, ये भी बिल्कुल इसकी जैसी है, ये भी बिल्कुल इसकी जैसी है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते ना, तो पेरेंटल जैसी होगी, आइडेंटिकल टू पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। तो ठीक है, वो कह रहा है इसकी वजह से सारी चीज बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि स्ट्रक्चर का इसका क्या रहेगा। ओके, तो ये बातें थोड़ी सी टेम्पलेट वाली और डिटेल में आगे आएंगी जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, द सेलेंट फीचर, क्या कह रहा है, द सेलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। सेलेंट फीचर की बात करें कि क्या क्या इसके स्ट्रक्चर है, मतलब क्या क्या मेन पॉइंट है, इट इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है भैया ये तो हमको पता है, क्या है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक ये एक ये, ठीक है। ओके आगे आते हैं, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूट बाय सुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, तो कह रहा है बैकबोन किसकी बनी हुई है, साफ साफ दिख रहा है बैकबोन किसकी बनी है, सुगर फॉस्फेट की, और बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड मतलब कोई चीज कहीं से निकलती हुई अंदर की तरफ जा रही है, बेस अंदर की तरफ है, ठीक है। आगे आते हैं, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब है यहां पर अगर एक 5-3 होगी तो दूसरी 3-5 होगी, अगर एक 5-3 है तो दूसरी 5-3 इधर उल्टी उल्टी चलेगी, इसके लिए टर्म इस्तेमाल क्या हुआ है, एंटी पोलैरिटी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी, इट मींस इफ वन चेन हैज पोलैरिटी 5-3 तो दूसरी कितनी होगी, 3-5। ओके, द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मिंग बेस पेयर, जो बेस जो होते हैं किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, क्लियर है ये बात हमको पहले ही, एडेनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात भी हमको क्लियर है, एंड थायमिन फॉर्म अपोजिट स्ट्रैंड वाइस वर्सा, सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हमने यहां देख ली थी कि जो एडेनिन और थायमिन है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ग्वानिन साइटोसिन 1, 2 और 3 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पाइरिमिडिन, इस यही वजह है कि हमेशा प्यूरिन के अपोजिट हमेशा क्या आता है, एक पाइरिमिडिन आता है,
दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स. अब इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, हर बार जो डिस्टेंस रहेगा वो बराबर रहता है. द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन. ये याद रखना, क्यों ये याद रखने वाली चीज है मैं बता दूं. कॉइलिंग डीएनए जो होते हैं ना, हमको कई तरह के मिले हुए हैं, ठीक है. हमारे एनसीईआरटी में राइट हैंड फैशन वाला डीएनए के बारे में जिक्र है, यानी कि जो ये कॉलिंग देख रहे हो तुम लोग, ये राइट हैंड फैशन कॉलिंग कहा जाता है. अब इसके और डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बहुत सारी होती है, हमको ध्यान रखना हमारे पास क्या राइट हैंड वाली है. द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर. पिच से आप समझ जाना, पिच का मतलब क्या है. पिच मतलब एक पूरा जो कॉइल का टर्न दे रहा है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर. एनसीईआरटी किस बारे में बात कर रही है, नैनोमीटर के बारे में बात कर रही है. पिच मतलब एक कॉइल से लेकर के दूसरा, यानी कि यहां से लेके, है ना, जैसे हम लोग वेव की बात करें, वेव पता ना, एक क्रेस्ट से लेकर दूसरा क्रेस्ट, पूरी एक वेव कहलाती है. तो वही एक क्रेस्ट से लेके दूसरा क्रेस्ट, ये क्या कहलाएगी, उसकी पिच कहलाएगी एक, यानी कि पूरा पूरा एक रोटेशन हो जाएगा उसका, ठीक है. पिच कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर. अ नैनोमीटर इज 1/1000000th ऑफ द मीटर, दैट इज 10^9 मीटर, ठीक है, ये तो पता है हमको. एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच, है ना, मैंने क्या बताया था, हर उसमें पिच में कितने पाए जाएंगे, 10 बेस पेयर पाए जाएंगे इन ईच टर्न. हर एक टर्न में कितने हैं, 10 बेस पेयर है. कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34. ऑब्वियस ही बात है, जब एक में डिस्टेंस ही 10 कितनी है, 34 की है या 3.4 नैनोमीटर की है, और उसमें 10 पाए जाएंगे, उसके 10 डिवाइड कर दो पार्ट में, तो एक पार्ट की, दो पार्ट के बीच में दूरी कितनी आ जाएगी, 0.34 नैनोमीटर. द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर अदर इन डबल हेलिक्स. अब वो क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये क्या है मेरे पास, एडेन लगा हुआ है, एडेन ग्वानिन ये लगे हुए इस टाइप से, इसको जैसे ऐसे इधर पे, और जस्ट एक और जो इसके ऊपर आएगा वो भी ऐसे ही आ जाएगा, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं इस तरीके से, तो एक के ऊपर एक आते जा रहे हैं स्टैक, है ना, जैसे कि एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन आ रहा है तो स्टैक कहा जाता है. द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स. दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कंफर्म द स्टेबिलिटी. ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी दो वजह से होती है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है प्लस एक के ऊपर एक आ रहे हैं इस तरीके से, ये तो इसकी वजह से भी इनमें क्या मजबूती काफी है, टूटेगी नहीं जल्दी, ये स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी खुलेगा भी नहीं और जल्दी ये टूटेगा भी नहीं. क्लियर है, तो यहाँ पे वही सारे स्ट्रक्चर दे रखे जो मैंने समझाए थे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, इसको तुम लोग देख लेना. ये सुगर फॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया है. कह रहा है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलिमर चेन इन डीएनए रिमेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट. तो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि हर बारी ए के आगे टी लग रहा है, सी के आगे जी लग रहा है, ठीक है. क्या तुम इसका स्ट्रक्चर को कंपेयर करना चाहोगे प्यूरिन पाइरिमिडिन का, तो जी हम लोग कर चुके हैं क्लास 11th में बकायदा इसके स्ट्रक्चर, और करने का ज्यादा अगर लग रहा है कि नहीं करना ही है स्ट्रक्चर को, तो यहां से देख सकते हो, ये मेरे पास एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये मेरे पास थायमिन का है, ठीक है, और नीचे स्ट्रक्चर क्या है, ये ग्वानिन का और साइटोसिन का. क्लियर है, आगे आते हैं. अब क्या कह रहा है ये, ओके, अब कह रहा है ये द प्रपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इंप्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी. ये जो प्रपोजिशन था डबल हेलिक्स का, कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, और उसकी सिंप्लिसिटी, उसका इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन जेनेटिक में रिवोल्यूशन लेके आ गया, ठीक है, आया, अच्छी बात है. नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसा लेके आया ये, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ भरोसा नहीं है तो ध्यान रख लेना. तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर देगा ये, कि बताओ जेनेटिक जो था उसके अंदर रिवोल्यूशन लाने वाले दो फैक्टर कौन से थे, तो डीएनए का प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनेशन. तो क्वेश्चन बन जाएगा बनाना चाहेंगे तो. खैर आगे आते हैं. वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा. मार्क करेंगे इसे, बहुत जल्दी फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा, ठीक है, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रपोज किया, विच स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन. उन्होंने कहा कि आखिरकार इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है, कि यही यही इसका कलर होगा, यही इसकी हाइट होगी, इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है. तो उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन छुपी होती है डीएनए में, डीएनए उसको पास करता है आरएनए के रूप में, मैसेंजर आरएनए के रूप में, मैसेंजर आरएनए फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है. तो इस बात को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए के ऊपर प्रोटीन के बनने को क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है. इसमें अभी एक बात और पढ़ेंगे हम लोग, डीएनए के ऊपर डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए के ऊपर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो गया जब प्रोटीन बनेगा. एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग,
कई बार उल्टा हो जाता है, आरएनए के ऊपर क्या बनता है, डीएनए बनता है। ऐसा कहां पाया जाता है, वायरस के अंदर, ठीक है। और किसकी हेल्प से होता है, ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ना हमारा एंजाइम है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए वायरस खतरनाक होते हैं, वो आरएनए के ऊपर डीएनए बना लेता है। किसके ऊपर बना लेता है, आरएनए के ऊपर डीएनए बना लेता है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम ऑफ द टू द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है बातें, ये बात समझ में आ रही है, क्या कहेंगे इसको हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि जो डीएनए हेलिक्स हमने अभी तक देखा जाना, वो आखिरकार मुद्दा ये है कि ये जो हेलिक्स हमारे पास है डीएनए का, इसकी अगर पूरी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 2 मीटर की होती है। कितनी होती है, 2 मीटर की। अब तुम इमेजिन करो, 2 मीटर की लेंथ इतने छोटे से न्यूक्लियस में, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस, 2 मीटर की लेंथ कैसे समा जा रही है, जिसकी न्यूक्लियस जिसका साइज माइक्रोमीटर में है, तो 2 मीटर लंबी लेंथ कैसे समा जाएगी भैया, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चला 2 मीटर की लेंथ है, अब हमें एक आइडिया लग चुका है, क्या कि हमारे पास टोटल बेस पेयर कितने हैं, इतने हैं, और एक बेस पेयर की दूरी, दो बेस पेयर के बीच में दूरी कितनी होती है, इतनी होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आई जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ रही है। ह्यूमन के अंदर टोटल बेस पेयर कितने हैं, 6.6 × 10⁻¹, 9। दो बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 × 10⁻¹⁹ मीटर, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो बस मुद्दा यह है कि आखिर इतना लंबा डीएनए किस तरह से समा जाएगा इतने छोटे से न्यूक्लियस में, बस यही है पैकेजिंग, है ना। एक अटैच, सफर में जा रहे हो, तुमने कपड़े वपड़े धुले और ऐसे भर दिए कपड़े उसके अंदर, और एक बंदे ने भरे फोल्ड करके तय लगाकर, तो जाहिर सी बात है जो फोल्ड करके अटैची के अंदर कपड़े रखेगा उसके ज्यादा कपड़े आ जाएंगे, और जो ऐसी रैंडम भर देगा उसके कपड़े कम आएंगे। यानी कि यहां पे भी कुछ डीएनए ने अपना पैकेजिंग का तरीका अपनाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं हम लोग, फिर इसको पढ़ेंगे यहां पर क्या है। तो बेसिक बात समझने के लिए हमारे पास कुछ डायग्राम है, डायग्राम से अच्छा समझ में आता है, देखो और समझते हैं। देखो, डीएनए डबल हेलिक्स ऐसा होता है, जब इसको पैक होने की बारी आती है, यानी कि पैक कब होगा ये, जब इसे पैक होना होता है तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन्स, ठीक है ना, और वो टोटल कितनी होती है, 8 होती है, कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इसके पीछे होती है। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन, इसको हम ऑक्टामर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 8 हिस्टोन कोर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टामर। तो बच्चों बिल्कुल भी अब ध्यान रख लेना, बिल्कुल दिमाग खिसकना मत देना, 8 हिस्टोन कोर बनी होती है, उसके ऊपर इस तरीके से लपेट रहा है ये, ठीक है ना, और जब लपेटने के बाद जब धागा इस तरह से एक इधर जाता है एक इधर जाता है, तो एक आकर के हिस्टोन ऐसे आगे चिपक जाता है जिससे कि उधड़े नहीं वापस से, बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं H1। तो बस खेल सारा यहां पर क्या है, ध्यान रखना हिस्टोन, हिस्टोन क्या है हमारे पास, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं, इसके ऊपर प्रोटीन ऐसे ऐसे लिपटता चला जाता है, ठीक है। फिर और कॉइल होता है, ये देख रहे हो यहां पर, यहां से लेके ये डायमीटर, इस डायमीटर की बात कर रहा लगभग 300 मीटर, और अल्टीमेटली इतना कॉइल हो जाता है कि जिस समय से क्रोमोसोम बनता है मेटाफेज में, तो हमको ये कुछ ऐसा नजर आता है। अब बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को कि क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से, और डीएनए के अंदर जो पार्ट ट्रांसक्राइब करेगा वो जीन होता है, तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से, और कैसे लिपटा हुआ है, ये कॉइल के ऊपर लिपटा हुआ है। अब जो ये वाला पार्ट होता है, 8 हिस्टोन ऑक्टामर और इसके ऊपर ये डीएनए की कॉइलिंग, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम, क्या कहलाता है ये, न्यूक्लियोसोम। अच्छा ठीक, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो ये देखो न्यूक्लियोसोम हमें कुछ ऐसे नजर आते हैं, देख रहे हो ये, तो ऐसा लग रहा है कि धागे में मोती पिरोए हुए हैं। तो डीएनए के लिए कई बार हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बीडेड स्ट्रक्चर, बीडेड मतलब मोतीदार, बीड मतलब मोतीदार, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे के अंदर क्या पिरो रखे हैं, मोती पिरो रखे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें आएंगी, तो ये बेसिक से इसका अपने आप को कॉइल करके, अच्छा ये क्या करता है, जब इस तरह से अपने को कॉइलिंग कर लेता है ना, अब खुद सोचो 8 ऑक्टोमर है, जैसे मान लो ये 8 ऑक्टोमर है, और उसके ऊपर इसने अपने आप को कॉइल किया इस टाइप से, और फिर ये आगे निकला,
ठीक है ना। तो 8 ऑक्टामर के ऊपर जब अपने आपको कॉइल करता है तो अपनी लेंथ कम से कम 1/7 टाइम डिक्रीज कर लेता है, ठीक है। जो 2 मीटर है वो पूरी लेंथ इसको कॉइल कर करके अपनी पूरी लेंथ को ये 1/7 टाइम तक डिक्रीज कर लेता है। तो यही कॉइलिंग है, यही पैकेजिंग है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल हो गया। ऐसे मान लो कि 4 पत्थर हैं, उसके ऊपर धागा लपेट के तुम, इतना बड़ा धागा है, पत्थर लिए उसके ऊपर से गोल 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 लपेट लिए, तो इतने में सुकड़ गया धागा, वही होगी इसकी पैकेजिंग, क्लियर। तो अब बस इसका नेम ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आगे जाके ये क्या होगा, बस नाम ध्यान रखना है। पैकेजिंग मतलब सिंपल बात समझ में आ गई, जैसे ऊन का गोला ले लो, पूरे में फैला लो तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, उसको गोला बना लेते तो इतने से में आ जाता है, क्लियर है, यही पैकेजिंग है, क्लियर। चलो देख लेते हैं अब क्या कह रहा है। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी ले लें, कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमिलियन सेल इज कैलकुलेटेड, और हम लोग डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें एक मैमिलियन सेल के अंदर, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, जैसे मैंने अभी बताया था टोटल बेस पेयर इतने हैं और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी इतनी होती है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग कितनी दूरी निकल के आती है, यानी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 2.2 मीटर, काफी लंबी लेंथ है ये। A length that is far greater, बहुत बड़ी है, than the dimension of a typical nucleus, approximately 10^-6 meter, यानी कि माइक्रोमीटर में चला गया ये। न्यूक्लियस इतना छोटा, डीएनए इतना बड़ा 2 मीटर, कहां से फिट आ रहा है उसके अंदर, दिख तो रहा नहीं है, तो उसी को समझना हमें कि आखिर ये फिट कैसे आ गया उसके अंदर। How is such a long polymer, डीएनए जो इतना बड़ा पॉलीमर है, packaged in a cell, सेल के अंदर कैसे पैक हो जाता है ये, आओ देखें। फिर कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई। अब इसने उल्टा सवाल कर दिया, लेंथ ऑफ डीएनए कितनी दी है 1.36, तो कर लेंगे, मैथमेटिकल सवाल है ना, दूरी कितनी है 0.34, क्या करेंगे यहां पर मिलीमीटर है ना, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, इन प्रोकैरियोट्स, अब ये मत कहना कि प्रोकैरियोट्स को नहीं जानते हो, है ना, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया काउंट किए जाते हैं, सच एज ई कोलाई, ठीक है। प्रोकैरियोट की बात करें, ई कोलाई के लिए, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, यद्यपि उनके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि जो अगर हम लोग अपनी बात करें, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सेल होगा, सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर उस उतने हिस्से को न्यूक्लियस कहा जाता है। इनमें ऐसा नहीं होता है, है ना, इनमें क्या रहेगा, ये बैक्टीरिया है तो पूरे में ऐसे फैला रहता है, ये बीच में, पता होगा सारी बातें, ठीक है। यहां पे एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, डीएनए स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी डीएनए पूरे में फैला नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे पास इसका जो क्रोमोसोम है, यानी कि जो डीएनए है, ये पूरे में ऐसे फैल गया है, ऐसा नहीं है। कह रहा था डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इज हेल्ड विद सम प्रोटीन, वो कुछ खास प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है, डेट हैव पॉजिटिव चार्जेस इन द रीजन, वो एक खास हिस्सा है जिस हिस्से में वो टिका रहेगा, उन हिस्सों में एक खास प्रोटीन पाई जाती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है और टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। ध्यान देना, डीएनए, ठीक है ना, हेल्ड विद सम प्रोटीन इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, उसको क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप, बड़े बड़े लूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है, हेल्ड बाय प्रोटीन। तो यानी कि ये न्यूक्लियोइड किसको कहा गया है, किसको कहा गया, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, इन अ रीजन, उस हिस्से को कहा गया है जिस हिस्से में प्रोटीन पाई जा रही है, उस हिस्से को न्यूक्लियोइड बोला गया है। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा जो न्यूक्लियस वाला मटेरियल है एग्जिस्ट करेगा जाकर के, कि वहां पर ये कुछ प्रोटीन खास पाई जा रही है जिनसे जाकर के चिपक जाता है, क्योंकि यहां पर कोई भी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, प्रोकैरियोट की। आते हैं यूकैरियोट पे, ठीक है, तो क्या कह रहा है यूकैरियोट, इन यूकैरियोट, है ना, जो हम लोग के अंदर सेल पाए जाते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, ये काफी जटिल होता है, ऐसा नहीं कि बस प्रोटीन थी जाके पकड़ लिया, ऐसा नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं ना, सारा कॉन्सेप्ट समझा हम लोगों ने, ठीक है, आओ देखें। देयर इज सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज
यहां पर एक खास सेट होता है, कितने सेट हैं? आठ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। वही सारी बातें जो मैंने बताई थी। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, एक कहानी यहां खत्म कर दी उसने कि यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज का प्रोटीन का झुंड होता है, एक सेट होता है, झुंड नहीं कहेंगे, आठ ही है, झुंड नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब उसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है, एक कहानी तो बोल के उसने यहां पर खत्म कर दी, समझना एनसीईआरटी, डाटा ज्यादा है कॉन्सेप्ट कम है। अब प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन, अब कहानी खत्म कर दिया, वो यहां ये समझाना चाह रहा है कि प्रोटीन के पास चार्ज आ कहां से जाता है। कह रहा है प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू विद चार्ज साइड चेन। ये डिपेंड करता है जो अमीनो एसिड है उसके रेसिड्यू, मतलब कितना अमीनो एसिड लगा हुआ है विद चार्ज्ड साइड चेन, जो उसकी साइड चेन रहती है, मतलब प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइड से चेन टाइप नुमा रहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये इसका चार्ज। तो यहां पे कह रहा है हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये जो अमीनो एसिड है ना रेसिड्यू, मतलब एक तरह से पूरा पुच्छल पूंछ जैसी रहती है इनकी, लाइसिन 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 आर्जिनिन आर्जिनिन आर्जिनिन, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हिस्टोन्स के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। अच्छा डीएनए तो नेगेटिव है ही, चाहे वो बैक्टीरिया का हो चाहे हमारा, वो नेगेटिव है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है नेगेटिवली चार्ज। तो कह रहा है अब ये ध्यान रख लेना यहाँ पे दो चीजें, द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन, दो कौन से हो गए, लाइसिन और आर्जिनिन, बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, इनकी जो साइड चेन होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन। अब ये कहानियां खत्म होगी, कौन से दो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, मार्क कर लेना हिस्टोन के अंदर, उनके पास उनकी साइड चेन में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। एक कहानी खत्म यहां पे, किसकी, अमीनो एसिड की चार्ज की कहानी। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ एट मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है ना, अरेंज करते हैं अपने आप को, क्या बना लेते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, क्लियर है, आगे आते हैं। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड, रैप्ड मतलब लपेटा जाता है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, फिगर 6.4A। तो अगर हम बात करें 6.4A, यहां पर ये जो गोला दिखा रखा है, ठीक है, इस गोले को और अच्छे तरीके से मैंने यहां दिखा दिया है, ये जो ऑक्टामर है ये डीएनए इसके ऊपर क्या है, लपेटा मार रहा है, ठीक है, यानी कि एक लपेटे में और थोड़ा सा है ना, जैसे कि मान लो एक लपेटा ये, फिर आगे फिर एक लपेटा ये, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक बार में 200 न्यूक्लियोटाइड कंज्यूम हो जाते हैं, यानी कि कह सकते हो 200 बेस पेयर कंज्यूम हो जाते हैं हमारे। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई क्या बोली मैंने भाई, जैसे ये रहेगा ना एक ऑक्टोमर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो यहां से लेके यहां तक इनमें कितने खर्च हो जाते हैं 200, और जो ये बीच वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है लिंकर, जोड़ने वाला डीएनए, लिंकर डीएनए, ठीक है ना। तो आओ बात करें यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर होता है, फिलहाल वो वाला स्ट्रक्चर समझने के लिए अच्छा है, बट सॉरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसी को लेकर चलना है, क्यों, अगर नीट में अगर आएगा तो यही डायग्राम आएगा, वो वाला डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है, बात समझ में आई। ये इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, ओके। अब क्या कह रहा है, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 200 बेस पेयर, जो मैंने बात बताई ऑफ डीएनए हेलिक्स, किस तरीके से 200 बेस पेयर उसमें लपेट जाते हैं न्यूक्लियोसोम। अब सारी कहानी न्यूक्लियोसोम की, ठीक है, जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया न्यूक्लियोसोम में क्या आ गया, हिस्टोन का ऑक्टोमर आ गया, ठीक है, 200 बेस पेयर लपेट लेते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। अब कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट, न्यूक्लियोसोम बनाता है द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हो, ठीक है ना, धागा नुमा स्ट्रक्चर है ये धागा नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये कौन बना रहा है, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन धागा नुमा के अंदर ये न्यूक्लियोसोम, ये धागा है, ये न्यूक्लियोसोम, 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 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्टेन, कलर कर देते हैं इसे, मतलब जब हम लोग देखते हैं तो स्टेन करते हैं, सीन इन न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग एक्चुअल में कौन है, न्यूक्लियोसोम है। यही ऐसा लगता है कि धागे में मोती पिरो दिए गए ना, बीड्स मतलब मोती, ऑन अ स्ट्रिंग, एक धागे में मोती पिरो दिए गए हैं।
व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ध्यान रखना ये हम किसके अंदर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्वेश्चन आ सकता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर सीन अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, तो कहां देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्वेश्चन बनता है ये। थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर रिप्रेजेंट इन अ ममेलियन सेल, तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, देखो अब यहां पर क्या, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, तरीका बता रहा हूं, करोगे तुम लोग खुद, ठीक है ना, कमेंट्स में लिख के देना मेरे को क्या इसका आंसर है। 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम खा ले रहा है, तो आइडिया लगा लो अब कितने बेस पेयर है, 6.6 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय 200, खेल खत्म, 3.3 × 20 कम कर दो 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम की कहानी आ जाएगी, बात समझ में आ रही है, 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में खपत हो जा रहे हैं, ठीक है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज, कह रहा है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन अ क्रोमेटिन इज पैकेज किया हुआ होता है टू फॉर्म ए क्रोमेटिन फाइबर, जो क्या बनाता है क्रोमेटिन फाइबर, जो हमें धागा जैसा दिखाई दे रहा है वो ये क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है, दैट आर फर्दर कॉइल्ड, ठीक है ना, यहां पर क्या बना है धागा नुमा स्ट्रक्चर बना, जो फर्दर कॉइल होता है क्या बना रहा है हमारे पास, ये सुपर कॉइलिंग होगी, ये कॉइलिंग हो रही है, ये फर्दर कॉइलिंग हो रही है, अल्टीमेटली मेटाफेज में क्या बन जा रहा है, ये क्रोमोसोम बन जा रहा है, ठीक है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। तो कह रहा है डेटर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिविजन टू फॉर्म अ क्रोमोसोम, तो यही वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर के किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम बदल जाता है, यही कॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जब पूरा डिविजन हो जाएगा तो फिर से खुल जाता है पूरा ये। ओके आगे आते हैं, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन डेट कलेक्टिवली आर रेफर टू एज, और हायर लेवल पे जो इनका किसका पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का फर्दर पैकेजिंग हो रही है, देख रहे हो ना, ये क्रोमेटिन है मेरे पास, ये रहा क्रोमेटिन, इसकी फर्दर क्या हो रही है पैकेजिंग हो रही है, तो इसके लिए हमें कुछ और एडिशनल एक्स्ट्रा है ना चीजें चाहिए होती हैं, कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होते हैं डेट कलेक्टिवली आर रेफर टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी कि हमें कुछ तो हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होते हैं और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्योंकि क्रोमोसोम बनाने के लिए हमें और कुछ अलग टाइप की प्रोटीन की जरूरत होती है ना, बांधना है, कसना है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, तो उन प्रोटीन को क्या कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, तो ध्यान रखना डीएनए को रैप करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम को पूरा पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन तो है ही है, साथ में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट, अब होता क्या है न्यूक्लियस में, मैं तुमको बता दूं, ठीक है, इसका भी एक स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे कि जैसे मान लो ऐसे, ठीक है, क्या समझना है इससे मैं अभी बताता हूं तुम लोगों को, ये मान लो इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, बीड लगे हुए हैं, मतलब न्यूक्लियोसोम लगे हुए हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा डेंसली कॉइल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा यहां पर घना कॉइल हो रखा है, और जो ये वाला हिस्सा है जहां टिक मार रहा हूं ये थोड़ा सा लूजली अलग थलग सा है, तो जहां पर बहुत डेंस कॉइलिंग हो रखी होती है, मतलब बहुत घने घने पास पास में होते हैं, कौन, यही क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है ना, अटिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, ये लूजली पैक्ड हो गए, ठीक है, एंड स्टेन लाइट, अब जो कलर होगा जाहिर सी बात है कलर वाले धागे पास पास करो तो थोड़ा डार्क लगता है, दूर कर दो तो हल्के लगते हैं, तो कलर काफी डार्क हो जाते हैं, एंड रेफर्ड एज यू क्रोमेटिन, द क्रोमेटिन डेट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क आर कॉल्ड एज हिट्रोक्रोमेटिन, ठीक है ना, तो जो लूजली पैक्ड है ये वाले, इनको हमने क्या कहा यूक्रोमेटिन कहा, और जो मोर डेंसली पैक्ड है, ठीक है ना, एंड स्टेन डार्क आर कॉल्ड, और इनकी डार्किंग मतलब जो कैसे हो रहे हैं यहां पे, जाहिर सी बात है कैसे बहुत ज्यादा नीला लगेगा ये हल्का नीला लगेगा, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो बहुत डार्क हो गया, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन, लूजली पैक, ये लूजली पैक हो गया यहां पर, ठीक है ना, तो यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, अब क्योंकि जब रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए को खुलना होता है, यहां खुलने में मुश्किल आएगी, तो यहां इजीली खुलेगा ये, तो
तो ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली मतलब जब डीएनए को अपने ऊपर आरएनए बनाना होता है। तो ध्यान रखना दो क्वेश्चन यहां से क्रिएट होते हैं कि यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन में लूजली पैक और डेंसली पैक हिस्सा कौन सा होता है। इसको तुम अगर ज्यादा दिक्कत आती समझने में सिर्फ इतना समझो कि समझ लो धागा है, एक धागा, एक ही धागा है, कुछ एक ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जहां पे धागा बहुत गुच्छेदार पड़ा हुआ है वो हो गया हेटरोक्रोमेटिन, जहां धागा थोड़ा लूजली अलग थलग पड़ा हुआ वो हो गया यूक्रोमेटिन। इसका कलर डार्क आएगा, इसका कलर लाइट आएगा। डीएनए आरएनए किस पार्ट में बनेगा, इस वाले पार्ट में बनेगा, खुलना आसान होगा, ठीक है ना। वेर इज हेटरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। तो अपने आप में ये तीन से चार लाइनें ना काफी सारे क्वेश्चन लेके आती है, अपने आप में ये तीन से चार लाइनें काफी सारे क्वेश्चन लेकर के आती है। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, ठीक है, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसको पिक्चर वाइज समझने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा डायग्राम में लेकर के आया हूं तुम लोगों के लिए। तो ये डीएनए है, डीएनए कॉइलिंग हो रखी है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जरा गौर से देखो, ठीक है, खुद ही समझ जाओगे। इसमें जो ये वाला पार्ट है, खुला खुला पार्ट है, ये काफी भरा भरा पार्ट है ना, ये काफी भरा भरा पार्ट है। तो यूक्रोमेटिन हेटरोक्रोमेटिन काफी भरा भरा खचा खच पार्ट है। तो बस यही तो चीज है, बस ऐसे समझ लो, एक इमेजिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूक्रोमेटिन हेटरोक्रोमेटिन कुछ हमारे डीएनए इस टाइप से हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इसी बेस पे हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे जब कलर बहुत ज्यादा पास पास रहेगा तो डार्क दिखाई पड़ेगा, यहाँ कलर हल्के दिखाई पड़ेंगे, है ना। यहाँ खुलना आसान है तो ट्रांसक्रिप्शन इजिली हो जाएगा, आरएनए इजिली बनेगा। तो ये था क्या हमारे पास डीएनए की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास 6.2 द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की खोज, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक अच्छे से एकदम डीएनए को समझ लें, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें, क्योंकि अब आगे हम लोग फटाफट क्या है सर्च है, और कुछ आगे फिर जब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन वाली बातें आएंगी तो वहां पे हम फटाफट क्या करेंगे चीजों को कवर कर पाएंगे। तो बात समझ में आ रही है, तो यहां तक अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला है बायो में, मतलब पूरी बायो में, क्लास 11 12 की पूरी बायो में कुछ गिने चुने चैप्टर होते हैं, एक 11 चैप्टर है जो अच्छा लगता है, समझने वाला है, ठीक है। फिर क्लास 11 में फोटोसिंथेसिस वगैरह आती हैं जो पढ़ने और समझने वाले चैप्टर हैं, अच्छे चैप्टर हैं, ठीक है, वरना बाद बाकी सब लर्निंग प्रोसेस है। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ही मजा आएगा अगर कायदे सीखोगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें। ऑल द बेस्ट।